नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल को जो है एक वर्किंग पॉस मशीन में कन्वर्ट कर सकते हो एंड आप कॉन्टैक्टलेस तरीके से अपने दुकान पे अपने कस्टमर से कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, डिजिटल वॉलेट एंड पे लेटर से जो है पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। अब नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि अगर आप अपने दुकान पे कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको एक पॉस मशीन लेना पड़ेगा एंड पॉस मशीन अगर आप लेने जाओगे तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा जो कि 5 से 10 हज़ार रुपये तक होता है। फिर आपको एक एक्टिवेशन फ़ीस देना पड़ता है, लाइसेंस फ़ीस देना पड़ता है, फिर वो जो पॉस मशीन है उसमें आपको सिम लगाना पड़ता है तो उसमें आपको हर महीने नेट का रिचार्ज करना पड़ेगा, उस डिवाइस को टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ेगा और उसके बाद भी जो है आप मशीन को यूज़ करो ना करो रेंटल तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको उसमें पेपर लगाना पड़ेगा और किसी कारण से अगर वो मशीन हाथ से गिर गया या उस मशीन को कुछ सर्दी जुकाम हो गया और वो मशीन मर गया तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी मर जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डिजिटल पॉस का एक सॉफ्टवेयर बना लिया है जो मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में कहीं भी चल जाएगा एंड आप जो है अपने दुकान पे कॉन्टैक्टलेस मोड में अपने कस्टमर से कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, डिजिटल वॉलेट, पे लेटर से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है ये मैं लाइव अभी आपके सामने एक पेमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको डेस्कटॉप में दिखा रहा हूँ एंड ये जो चलता है इसके पीछे एक पेमेंट गेटवे लगाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने पेटीएम का पेमेंट गेटवे लगाया है क्योंकि इसमें जो MDR है, जो ट्रांजैक्शन चार्ज है, वो सबसे कम है एंड इसमें सेटलमेंट भी जो है, अगर आप इंस्टेंट सेटलमेंट चाहते हो इसमें इंस्टेंट सेटलमेंट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको पेटीएम का गेटवे ही इसके बैकग्राउंड में यूज़ करना है। इस सॉफ्टवेयर में आप कोई भी पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो, करके आप जो है डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस तरीके से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, अपने कस्टमर से अपने दुकान पे पेमेंट रिसीव कर सकते हो एंड वो भी कोई भी डिवाइस में, मोबाइल में चल सकता है, टैबलेट में चल सकता है, लैपटॉप में चल सकता है, डेस्कटॉप में चल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पेमेंट इनिशिएट कैसे होता है, मतलब किस तरीके से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, इसमें कैसे यूज़ कर सकते हो आप इस सॉफ्टवेयर को। मान लीजिए कि आपके पास एक कस्टमर आया, उसने आपसे 1000 रुपये का सामान खरीद लिया, तो आप क्या करोगे, आप कलेक्ट के बटन में क्लिक करोगे एंड जब भी आप ये कलेक्ट के बटन में क्लिक करोगे तब यहाँ पे आपसे दो चीज़ पूछा जाएगा, एक कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर और दूसरा अमाउंट, क्योंकि ये जो पेमेंट रिक्वेस्ट है ये कस्टमर के व्हाट्सएप के थ्रू जो है कस्टमर के फ़ोन पे चला जाता है एंड उस लिंक पे क्लिक करके कस्टमर आपको पे करता है एंड यहाँ पे जो है आपका पेमेंट ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। ये मैं लाइव अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मान के चलो कोई नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, एंड 1000 रुपये का सेल था एंड यहाँ पे मैं प्रोसीड में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड जैसे ही मैं प्रोसीड में क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैसेज जो है रेडीमेड आ जाता है कि हेलो इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी हैज़ रिक्वेस्टेड ₹1000 फॉर योर ऑर्डर नंबर, यू कैन पे इट ऑनलाइन एंड ये लिंक मिल गया, ठीक है। तो ये मैसेज जो है आपके कस्टमर के फ़ोन पे व्हाट्सएप में चला जाएगा। यहाँ पे एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये 1000 का ट्रांजेक्शन है, ये अभी पेंडिंग स्टेट पे है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं एज ए कस्टमर इसको मैं पे करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये पे होगा एंड किस तरीके से यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो टुडे सेल 0 है, जब ये पेमेंट हो जाएगा तो ये भी सक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे ये सेल भी दिख जाएगा एंड ये सारे नंबर्स भी अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो कस्टमर जब लिंक को ओपन करेगा तो उसको जो है इस तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे वो देख सकता है कि मर्चेंट का नाम किसको पे कर रहा है एंड ये ऑर्डर आईडी और अमाउंट जो है देख सकते हो कि ये दिखेगा लेकिन ये एडिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। कस्टमर यहाँ प्रोसीड में क्लिक करेगा एंड जैसे वो प्रोसीड में क्लिक करेगा तब उसको जो है ये दिखेगा कि हाँ ये आपका ऑर्डर आईडी, ये अमाउंट है, ये मर्चेंट है, पे कर दो। तो जैसे यहाँ पे जो है मर्चेंट यहाँ पे जो कस्टमर जो है पे करेगा, ठीक है, पे में जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पेटीएम का गेटवे लगा के रखा है लेकिन आप इसमें कोई भी गेटवे बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो एंड मैं इसको जल्दी के लिए मैं आपको ये कर देता हूँ, नेट बैंकिंग से पे करके दिखा देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ड वगैरह का भी ऑप्शन है, कस्टमर कार्ड से भी कर सकता है, ठीक है। और ये तो आपका इसमें है, टेस्ट मोड में है, ऊपर देख सकते हो यहाँ पे ये टेस्ट मोड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइव मोड में और भी पेमेंट मेथड्स आता है, जैसे कस्टमर का अगर पेटीएम का अकाउंट है, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम वॉलेट, ठीक है, UPI, वो सारा चीज़ जो है इसमें चलने लगता है। तो मैं आपको नेट बैंकिंग से करके दिखाता हूँ, एक्सिस बैंक पे नाउ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये टेस्ट मोड पे है तो मैं यहाँ पे सक्सेस या फेलियर कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसको सक्सेस दिखा देता हूँ, सक्सेस होने पे कैसा दिखेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर को जो है यहाँ पे डिजिटल रिसीप्ट मिल गया, ठीक है।
स्टेटस है पेड, ये ऑर्डर आईडी किसको पे किया, इन्फॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी, सेल अमाउंट कितना था 1000, और ये ग्रीन कलर का टिक, ठीक है। ये व्हाट्सएप वाला विंडो बंद कर देता हूँ, ये वाला मैसेज अब जो कस्टमर को गया था वही है। एंड यहाँ पे मैं, ये मेरा मर्चेंट का डैशबोर्ड है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देख सकते हो दोस्तों, ये जो ट्रांजेक्शन है ये अभी यहाँ पे सक्सेस हो गया है, ये 1000 रिकॉर्ड हो गया सेल, और ये सारे नंबर्स भी यहाँ पे अपडेट हो गए, ठीक है। अब देख सकते हो कितना सिंपल था ये, ठीक है। ना आपको कस्टमर का कार्ड लेना है, ना आपको कस्टमर का कार्ड स्वाइप करना है, उसको देना है कि वो पिन डालो, पिन गलत डाल देगा, फिर आप वापस से कार्ड स्वाइप करोगे, ये सब झमेले में आपको पढ़ना ही नहीं है। ना आपको वो पॉस मशीन मेंटेन करना है, ना उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना है, कुछ नहीं करना है। एक सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप कहीं भी चल जाएगा, कॉन्टैक्टलेस तरीके से, सिर्फ कार्ड से ही नहीं, नेट बैंकिंग, UPI, डिजिटल वॉलेट, उसके बाद पे लेटर, जो भी पेमेंट ऑप्शन आपके पेमेंट गेटवे अकाउंट में एक्टिवेटेड है, उसी के थ्रू जो है आप अपने कस्टमर से कॉन्टैक्टलेस तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड ये सॉफ्टवेयर जो है आपको पसंद आया। ये वर्जन 1 है सॉफ्टवेयर का, इसमें जो फीचर्स मेरे को लगा कि हाँ ये सारा चीज़ ज़रूरी है, तो वही मैंने इसमें बिल्ड किया है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फीचर मिसिंग है एंड आप चाहते हो कि वो फीचर इसमें ऐड होना चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट का लिंक है, कॉन्टैक्ट करके आप बता सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप मुझे एडवाइस कर सकते हो, नेक्स्ट अपडेट में आपका फीचर जो है इसमें रोल आउट हो जाएगा। एंड अगर आप इस सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करके जो है आप पैसा कमाना चाहते हो, तो भी आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट लिंक है, क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को जो है बाई कर सकते हो। बाई करके ऐसे ही जो है आप अकाउंट अपने मर्चेंट्स को दे सकते हो, जहाँ पे मर्चेंट्स जो है अपना खुद का पेमेंट गेटवे लगा के यूज़ करेंगे, एंड वो आपको जो है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का एक छोटा सा रेंटल आपको पे कर सकता है, ठीक है। तभी भी बहुत सारा सेविंग है, क्योंकि यहाँ पे ना मर्चेंट को 5 से 10 हज़ार का सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना है, एंड जो प्रोसेस है वो पूरा डिजिटल है, जैसे देख सकते हो रिसिप्ट वगैरह जो है टोटली यहाँ पे डिजिटल जनरेट होता है, ठीक है। तो पेपर का भी खर्चा नहीं है। वैसे तो हम बोलते हैं कि सेव दी नेचर, सेव दी एनवायरनमेंट, सेव द प्लैनेट, डोंट प्रिंट, लेकिन हर जगह जो है पेपर का ही काम चलता रहता है, लेकिन ये फुल्ली डिजिटल कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन है। अगर आपको कोरोना का डर अब भी है, तो भी जो है ये कोरोना कंप्लायंट है ना, कोरोना फ्रेंडली है, क्योंकि यहाँ पे कोई टच नहीं हो रहा, ठीक है। आप WhatsApp में लिंक शेयर कर दो कस्टमर को, कस्टमर ने पे किया, आपको यहाँ पे दिख गया, और जो आपका पेमेंट का सेटलमेंट है वो पेमेंट तो गया आपके पेमेंट गेटवे में, तो पेमेंट गेटवे के साथ आपका जो भी एग्रीमेंट है, 1 डे सेटलमेंट है, 2 डे सेटलमेंट है, या इंस्टेंट सेटलमेंट है, उस हिसाब से आपको सेटलमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सॉल्यूशन है बट इफेक्टिव है, ठीक है। सो या दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।